नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नजमा अब्दी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सुप्रीम पावर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। और आइए अब हम एक नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। लंबे समय से बांध की मांग को लेकर ग्रामीण हुए लामबद्ध। सिवनी जिले के आदेगांव थाना अंतर्गत पाटन के केनरा बांध बनवाने हेतु हजारों की संख्या में पहुंचे चक्का जाम करने किसान। लगभग 50 ग्रामों के कृषकों द्वारा हजारों की संख्या में जोबा NH-44 पर शासन प्रशासन की समझाइश के बाद अधिकारियों द्वारा बांध बनवाने हेतु किसानों को दिया गया आश्वासन उपरांत कृषकों द्वारा मुख्यमंत्री को SDM के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। किसानों ने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व क्षेत्र में बहुत से बांध हमारे यहाँ सर्वे हुए थे, जिसमें से एक केनरा बांध था। करणपुर बांध और केनरा बांध को हमारे द्वारा उस समय मांग किया गया था, जिस उपरांत दोनों बांध की स्वीकृति भी की गई थी, परंतु राजनीति रसूख के चलते बांध का काम रोका गया, जिससे किसानों को पानी की समस्या होने के कारण किसानी में एवं जीवन यापन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर आज हजारों की संख्या में किसानों के द्वारा नेशनल हाईवे NH-44 पहुंचे ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री का नाम SDM को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए सिवनी से विमल चौबे की रिपोर्ट। पूरे नहीं हुए तो हम इसमें आंदोलन करेंगे और इसमें आत्मदाह तक की चेतावनी देंगे। आज जी हमारे साथ रहना पड़ेगा, हम आपके साथ हैं जी, आ गए जी। विभाग द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है और विभाग हमारी कोई मांगों को दबाए ना हमारी मांगों को पूरी करे जी, जायज मांग है उनसे तो संपर्क। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सुप्रीम पावर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।